हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेन सिंह, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर चैनल। सो सबसे पहले CSIR जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सभी लोगों को लख लख बधाइयाँ मेरी तरफ से। आप सभी लोगों का जो आगे का सफ़र हो आसान हो और आप लोग अच्छे से इंस्टीट्यूट में PhD इनरोल करके अपनी PhD को कंटिन्यू करें। सो जितने लोगों ने CSIR क्वालिफाई किया है, कुछ लोगों के पास ये डाउट था कि अरे सर, CSIR और UGC में डिफरेंस क्या है? तो CSIR और UGC में डिफरेंस बस इतना सा है, क्योंकि UGC यूनिट जो आपके यूनियन ग्रांट कमीशन वाली बात की जाती है, तो वो आपके कह सकते हैं आर्ट साइंस के जो स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी या इन सब सब्जेक्ट्स को भी डील करता है, जिसका NTA UGC नेट का एग्ज़ाम होता है। पहले UGC नेट का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था और CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो अलग होता था, लेकिन क्योंकि UGC नेट में एक स्ट्रीम साइंस का भी आता है जिसमें एलाइड साइंस, बेसिकली लाइफ साइंस आते हैं, जैसे बॉटनी और जूलॉजी, बेसिकली जिनका MSc बॉटनी और जूलॉजी में होता है वो उस कैटेगरी में फॉलो करते थे। जबकि CSIR कोर साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम के एग्जामिनेशन को डील करता था, जैसे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस या आपके प्लेनेटरी साइंसेस, अभी कुछ और भी एक्स्ट्रा स्ट्रीम्स जो है वो ऐड किए गए हैं। सो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलरली वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि जो रेगुलेटरी बॉडी है UGC, वो पहले अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी और CSIR अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये दोनों एग्ज़ाम्स जो है कम्बाइंड होने लगे, क्योंकि दोनों का जो फेलोशिप लाइफ साइंस या साइंस स्ट्रीम में जो कह सकते हैं कि सिलेक्शन सीट मर्ज कर दी गई और दोनों का एग्ज़ाम कॉमन होने लगा, तो इसलिए अब जो एग्ज़ाम होता है वो CSIR UGC नेट GRF होता है, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड दूसरा जो है वो UGC है, यूनियन ग्रांट कमीशन। तो अगर आप किसी भी, चाहे CSIR में आपका सिलेक्शन रहा हो या तो आपका UGC में सिलेक्शन रहा हो, अगर आप GRF की कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेल एंड गुड। और अगर आप GRF की कैटेगरी के अंदर फॉलोअप कर रहे हैं तो आपको 31,000 फेलोशिप जो है वो मिलने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप PhD में इनरोल करते हैं तो। इसके अलावा इवन मैं बोलूँगा कि UGC की जो फेलोशिप ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बेटर भी है CSIR के पर्सपेक्टिव से। CSIR समटाइम्स डिले कर देता है फेलोशिप प्रोवाइड करने में, लेकिन UGC जो है ऐसा काम नहीं करता। तो ये आप लोगों के लिए आसान और अच्छा भी रहेगा कि UGC में हैं या नहीं है। तो अगर आप GRF में हैं तो आप लोग सही कैटेगरी में, मतलब आप फेलोशिप वाले कैटेगरी में हैं, चाहे वो UGC प्रोवाइड करे या CSIR प्रोवाइड करे। होप कि इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द लर्नर्स जिन्होंने CSIR क्वालिफाई किया है। बाकी आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या क्वालिफाई किया है और स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है जिन्होंने मुझसे स्टडी किया था CSIR के लिए। उनमें से कई सारे लोग विद इन 10 रैंक या विद इन 20 रैंक भी लेके आए हैं। इसके अलावा दो स्टूडेंट्स जो है वो AIR 1 भी लेके आए हुए हैं। सो वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।